सभी को अंजाम दोगे। दिनांक 15 मई को परिवादी श्री मंगलाराम जो कि जाटली का निवासी है उसने शिकायत की कि उनके DFCC द्वारा काम करवाया था आज़ाद नगर से चमड़ागर PHED की पाइपलाइन थी उसको शिफ्ट किया हुआ जो सितंबर में काम हो गया 2018 में और DFCC की तरफ से उनको पेमेंट PHED की NOC के पश्चात ही होना था। PHED किशनगढ़ के AN श्री सुरेंद्र कुमार इनसे पैसे मांग रहे थे, 1,00,000 रुपये इनसे ले चुके थे और जब शिकायत का हमने वेरिफिकेशन कराया तो 1,00,000 की डिमांड फिर पाई गई और आज जब AN साहब ने NOC पे साइन करके और इनको दिए और अपने बाबू जो इनके ऑफिस में UDC है श्री नवरत्न सोलंकी उनको पैसे देने के लिए कहा और जब नवरत्न सोलंकी ने इसको NOC देने के बाद एक्शन ऑफिस ले आए यहाँ और यहाँ आकर के और हम सब यहीं थे चारों तरफ से घेर रखा था, इन्होंने इनसे ये जो राशि थी 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर के ये यहाँ से अपने ऑफिस में चले गए। इन बिटवीन फिर हमने खुफिया तौर पर इन सब पे नज़र रखी और इनसे वो राशि इनकी जेब से बरामद की और कार्रवाई जारी है। AN साहब को भी हमने यहीं से पकड़ा है और दोनों को पकड़ करके और कार्रवाई कर रहे हैं। आगे किस तरह से अनुसंधान किया जाएगा? आगे अनुसंधान के लिए अभी ज़्यादा इनिशियल है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, अनुसंधान के पश्चात ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। रुपये वगैरह आपने बरामद कर लिए? हाँ, 1,00,000 रुपये रिकवर हो चुके हैं। किसके पास है? ये इनके UDC है श्री नवरतन जी, इनके पास से हुए हैं और 2,000 रुपये इन्होंने अपने स्टाफ को दे दिए जो भी अब बरामद हो गए वो आ गए और उन्होंने इन्होंने कोई स्टेशनरी लाने के लिए उनको दे दिए थे वो भी हमने रिकवर कर लिए। स्टाफ भी शामिल है सर इसमें? स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आया है, वो केवल उनको रिम लाने के लिए 2,000 रुपये दिए थे, उसको पता ही नहीं था कि पैसे कहाँ से आए क्या है, ये बाबूजी ने दिए जिनको हमने वापस रिकवर कर लिया और रिपोर्ट पे ले लिया। टीम में मैं महिपाल DYSP और मेरे साथ हमारे हेड कॉन्स्टेबल और हमारे ऑफिस का करीब 10 लोगों को जाप्ता है और गवाह है। अजमेर से है सर? अजमेर ACP चौकी से है।